अनडाउटेडली सिद्धार्थ शुक्ला इज द किंग ऑफ रोमांस. जी हाँ, चाहे रील लाइफ हो या रियल लाइफ हो, सिद्धार्थ शुक्ला जो हैं वो हमेशा ही एस करते नजर आते हैं. और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फाइनली ट्रैक आउट हो चुका है आज 31 जुलाई, एंड एज प्रोमिस्ड गाना आ चुका है दिल को करार आया. वेल, इट इज वेरी सोलफुल सॉन्ग. जी हाँ. वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा. मैं हूँ ज्योति नाहक. बता दूँ आपको कि सिद्धार्थ शुक्ला का ये जो ट्रैक है दिल को करार आया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सिद्धार्थ एंड नेहा इस गाने में एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री फिट करते नजर आ रहे हैं. एंड कोई ऐसे बहुत टॉप नॉच का गाना नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी सोलफुल सॉन्ग, इट इज़ अ वेरी थॉटफुल सॉन्ग. और कहीं ना कहीं नेहा शर्मा है स्क्रीन पर, और नेहा कक्कड़ है स्क्रीन के पीछे, यानी कि आवाज़ नेहा कक्कड़ की है. एंड साथ ही साथ यसीर देसाई की आवाज़ है. बहुत ही खूबसूरत तरीके से दोनों ने गाना गाया है इस गाने को. और मैं आपको बता दूं कि ये जो गाना है, ये सिद्धार्थ शुक्ला जो हैं काफ़ी कंफर्टेबल नज़र तो आ रहे हैं नेहा शर्मा के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो शहनाज गिल को मिस कर रहे हैं. आई डोंट नो, मुझे गाना देखकर पता नहीं क्यों ऐसा फील आया कि वो गाने में है ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं 1% वो शहनाज को फील कर रहे हैं. एक जो स्माइल फेस पर आती है वैसा मुझे देखकर लगा, आई माइट बी रॉन्ग. एंड साथ ही साथ लेकिन जो गाना है उसमें दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं. पिक्चराइजेशन गाने की बहुत ही मैजिकल है. जी हाँ, मैजिकल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो गाना है वो बहुत एक बहुत ही जादुई और ऐसे लाजवाब लाइफ लुक देता हुआ, एक फेरी टेल जैसा गाना दिख रहा है. और हालांकि एक चीज़ गाने में मुझे जो थोड़ी लगी वो ये लगा कि बहुत डल लाइटिंग में गाने को शूट किया गया है. जी हाँ, लाइटिंग वाइज गाना बहुत ज़्यादा मुझे डल लग रहा था, बट जहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला है वहाँ पर सिद्धार्थ ही काफ़ी है स्क्रीन पर लाइटिंग जलाने के लिए. सो मुझे तो गाना काफ़ी पसंद आया सुनने में, एंड विजुअली भी काफ़ी अपीलिंग है. और सिद्धार्थ शुक्ला और नेहा शर्मा की केमिस्ट्री बहुत ही खूबसूरत लग रही है. लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि आपको ये गाना कैसा लगा. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.